हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो अभी मैं नहा ली हूँ और अभी जैसे कि ठंडा का दिन आ गया तो थोड़ा लेट भी नहाने लगी हूँ। ठंडा अब तो काफ़ी बढ़ गया है यहाँ पर झारखंड में। आप लोग का तरफ कैसा ठंडा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग के शहर में तो यहाँ पे झारखंड में ठंडा बढ़ गया है। तो अभी लेट ही नहाती हूँ। अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा धूप हो गया है तो नहा ली हूँ बाथरूम में। उसके बाद से यहाँ धूप में आके ना कपड़े धो रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है कपड़े धोने में। इसके वजह से नहा के और कुएँ में ही धोती हूँ। और यहाँ का जो पानी है सो फिर आलू में चला जाता है तो, और यहाँ का पानी भी वेस्ट नहीं होता है। और बाथरूम का पानी मतलब वो लग कोई काम का नहीं, गड्ढे में चला जाता है। इसके वजह से ज़्यादा कुआं में ही होता है। उसके बाद मैं छत पे आ गई हूँ और कपड़े डाल दे रही हूँ। और अभी इतना अच्छा से धूप रहता है ना कि अभी 2 घंटे में कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पे प्रियांशी मुझे कपड़े देते जा रही थी और मैं कपड़े को डालते जा रही थी। तो मैं सारा कपड़े डाल दी हूँ। और यहाँ पे अभी बस बच्चे का कपड़ा है मेरा और पापा का, क्योंकि मम्मी सुबह ही नहा लेती है। मम्मी नहा के पूजा वगैरह करती है और अभी ठंडी स्टार्ट हो गया है तो अभी तो मैं उतना पूजा वगैरह नहीं करती हूँ। और यहाँ से मैं छत से थोड़ा वीडियो बना रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पापा बारी में पानी डाल रहे थे आलू में, तो अभी एक बार पानी डाले थे उसके बाद अब दूसरा बार आलू में पानी डाल रहे हैं। तो अभी आलू को पूरा, जैसे कि आलू को जब को जैसे कोड़ना बोलते हैं हम लोग, तो जो आलू को खोद के निकाल देते हैं जब आलू पूरा बन जाता है उसके लिए 7 से 8 बार पानी डालना पड़ता है। तो अभी 2 पानी हुआ है और अभी बहुत ही बार पानी डालना पड़ेगा। तो पापा ही पानी डाल रहे थे और अभी आलू काफ़ी अच्छे से सारे हो गया है, उसका पौधा आ गया। उसके बाद यहाँ शाम का टाइम हम यहाँ पर बना रहे हैं आटा का ठेकुआ। तो यहाँ पे गुड़ का मैं बना रही हूँ, गुड़ का मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी डाल के और गुड़ को पिघलने के लिए मैं डाल दी हूँ पहले, उसके बाद ही आटा को सानूंगी। तो गर्म पानी में ही डाली हूँ लेकिन कम था तो मैं सोची कि एक बार और गर्म कर लूँ क्योंकि पूरा पिघलना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। गुड़ है और चीनी रहता है तो बहुत ही अच्छे से पिघल जाता है। तो यहाँ पे मैं यही लकड़ी का चूल्हा में ही बनाऊंगी और लकड़ी का चूल्हा बहुत ही अच्छा होता है। जैसे इसका आँच गैस में कम ज़्यादा कर सकते उसी तरह से इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे प्रियांशी मुझे परेशान कर रही थी और जितना कढ़ाई में ऑयल था ना वो सारा ऑयल को मैं डाल दे रही हूँ। और 1.5 केजी आटा था उस सारा भी ऑयल डाल दी थी पहले ही से, जैसे कि कुछ ना कुछ बनते रहता है घर में तो ऑयल था तो पहले का ऑयल में डाल दी। उसके बाद जो 1/2 लीटर का ऑयल है फिर मैं बाद में उससे तलूँगी। तो यहाँ पे पिघल नहीं रहा था गुड़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बड़े बड़े थे तो मुश्किल ही हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार सोया मिला दी और बहुत ही टेस्ट आता है, ज़्यादा ना थोड़ा कम ही डालें। उसके बाद यहाँ पर सूखा नारियल मैं डाल दी हूँ, जो गड्डी बोलते हैं हम लोग वही सूखा नारियल, उसको सारा मिक्स कर ली हूँ ऑयल वगैरह सब कुछ। उसके बाद बहुत ही अच्छे से ये जो रोटी है थोड़ा अच्छा, मतलब जो ठेकवा है अच्छा लगेगा। इसके वजह से ऑयल आप जितना चाहे उतना मिला सकते हैं, जब तक मुट्ठी बनने लगेगा उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ गुड़ का पानी है, मैसी को डाल रही थी और गुड़ अभी पिघला नहीं था बहुत ही अच्छा से, मैं इसको मैसी थी लेकिन भी नहीं पिघल रहा था। देखिए थोड़ा सा गुड़ भी मेरे हाथ से गिर गया था। और यहाँ शाम का टाइम ही बना रही हूँ मैं ये, क्योंकि अभी भाभी उधर भी चूल्हा वगैरह जला रही थी, एक बार जलाई थी लेकिन चूल्हा जला नहीं, फिर से भाभी कोयला हटा के फिर से जलाने जा रही थी। और यहाँ पे मैं इसका आटा लगा ले रही थी, अभी भाभी भी यहाँ पे हेल्प करेगी, तब तक मैं जितना होता उतना मैं कर लूँगी। यहाँ के प्रियांशी आके पानी गिरा दी क्योंकि शाम का भी खाना अभी बनाना है तो किचन में अभी बनेगा। उसके बाद यहाँ आंगन में जितना हो रहा उतना मैं कर ले रही हूँ। तो ये है इसको बोलते हैं टोकरी, ये टोकरी में ही डिजाइन बन रहा था बहुत ही अच्छा से। तो डिजाइन बनाने वाला मैं निकाली, मतलब लाई नहीं थी, उधर ही मम्मी रखी थी घर में तो बोली कि उतना मैं खोजने की वजह से मैं छोड़ दी, ऐसे किचन में नहीं था तो रूम में था कहीं पे, तो मम्मी बोली कि निकाल लो तो मैं ऐसे खोजी नहीं। फिर ये टोकरी से भी बहुत ही अच्छा से डिजाइन बनता है। तो मैं एक डाली और देखे मैं चूल्हे के लिए रखी कितना अच्छा से बना है, बहुत ही अच्छा, एक भी नहीं टूटता। लेकिन हाँ गुड़ का है थोड़ा ना इसको
जब इसको पलटने का टाइम थोड़ा बहुत ही सावधानी से पलटना पड़ता है ताकि टूटे ना, और गुड़ वाला थोड़ा टूटने का डर रहता है, लेकिन चीनी वाला तो बिल्कुल डर नहीं रहता है, वो तो टूटता भी नहीं। लेकिन मतलब चीनी से भी ज़्यादा अच्छा खाने में गुड़ का लगता है ठेकुआ, क्योंकि छठ में भी पूजा होता है तो गुड़ का ही बनता है, और चीनी से ज़्यादा टेस्ट इसमें है। क्योंकि मैं फर्स्ट बार गुड़ से ही पे मम्मी बोली तो मैं बना रही हूँ, और मम्मी मुझे बता दी, ऐसे नहीं कि मैं ये तो फर्स्ट बार ही बना रही, चीनी को मुझे आता था। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कितने लोगों का ठेकुआ पसंद है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।